ही बात है अगर आपको क्यू इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ से आप डिलीशन कर लेना और यहाँ से आप इंसर्शन कर लेना है ना मतलब ये लेफ्ट वाले एंड से आप डिलीशन uh, करेंगे और जो राइट right वाला एंड है वहां से इंसर्शन करेंगे अच्छा और अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो यही जो लेफ्ट वाला एंड है यहीं से इंसर्शन और यहीं से डिलीशन हो जाएगा काम खत्म तो मेरे ख्याल से इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था क्योंकि बहुत ईजी काम था है ना तो अगर आपको क्यू इंप्लीमेंट करना है इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट क्यू तो ई शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेफ्ट एंड में लेफ्ट एंड से आप डिलीशन करेंगे इंसर्शन बंद कर देंगे इंसर्शन आप अलाउ नहीं करेंगे है ना सिर्फ डिलीशन अलाउ करेंगे लेफ्ट एंड से और जो राइट एंड था है ना वहां से आप इंसर्शन अलाउ करेंगे डिलीशन अलाउ नहीं करेंगे डिलीशन अलाउ करेंगे यहाँ से इंसर्शन नहीं अलाउ करेंगे यहां से इंसर्शन अलाउ करेंगे यहाँ से, से डिलीशन अलाउ नहीं करेंगे तो सीधी सी बात करूँ तो डेक में ना आपको बहुत छूट थी अब जो आपके पास जो छूट थी उसको हमने कम कर दिया है ना मतलब वहां पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं थी डेक तो कहता है दोनों ही एंड से आप इंसर्शन रिलेशन कुछ भी करना चाहते हो करो

लेफ्ट राइट right नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल दो वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी और इससे पर कुछ नहीं है आप आई थिंक अपने आप से समझ पा रहे हो गए है ना तो ये हो जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड और यू कैन से जहाँ पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा है राइट हैंड यू कैन से जहाँ पे हमारा टेल पॉइंट कर रहा है उससे हम काम कर लेंगे हो गया काम खत्म तो चाहे हमने अभी पीछे देखा ही था जो चाहे इंसर्शन लेफ्ट करना है राइट right करना लेफ्ट करना, right करना है थीटा वन टाइम ही आंसर आ रहा था तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम पे समझ पा रहे होंगे कि अगर आप क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप क्या कहोगे डिलीशन वही बात है कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगी थीटा वन और इंसर्शन भी वही बात है टाइम हो जाएगी डेट इज सेट काम खत्म अच्छा जी अब अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है इफ यू वॉन्ट टू इंप्लीमेंट स्टैक तो आप क्या करेंगे लेफ्ट एंड से ही आप इंसर्शन करेंगे मतलब शॉर्ट में ले देता हूँ ठीक है इंसर्शन इज अलाउड और डिलीशन भी यहीं से करेंगे लेफ्ट एंड से है ना बट जो राइट right एंड था वहां से इंसर्शन भी अलाउ नहीं करेंगे और डिलीशन भी अलाउ नहीं करेंगे डेट सेट लेफ्ट एंड मतलब जहां पे हेड पॉइंट कर रहा था और राइट right एंड मतलब जहां पे टेल पॉइंट कर रहा था तो जहां पे भी हेड पॉइंट कर रहा है वहीं पे इंसर्शन वहीं से डिलीशन और जहां पे टेल पॉइंट कर रहा है वहां से कुछ करना ही नहीं है तो डायरेक्टली आपका स्टैक इंप्लीमेंट हो जाएगा वेरी वेरी इजी और आपको पता चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो कॉन्सटेंट टाइम में होनी है क्योंकि हमने तो सारा कुछ आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया ही था यहीं से इंसर्शन यहीं से डिलीशन तो कॉन्सटें टाइम में हो जाएगा बस डब्लू लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन द बिगनिंग वाला केस हो जाएगा और क्या है ठीक है आई थिंक आप समझ पा रहे हो काम खत्म तो ये तो डेड इजी काम था इसमें कुछ नहीं था अगर आप चाहते हो कि मैं कोड लिख के दिखाऊं वो काम मैं करूंगा नहीं फालतू का लेक्चर लंबा किसी कुछ नहीं है ये आप सब जानते ही हो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही काम है भाई और कुछ भी नहीं है डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है प्रॉपर लिंक लिस्ट के हमने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो वहां से आपको समझ आ जाएगा तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ क्यू इम्प्लीमेंट करना तो हम क्या करेंगे ये ये एक किस्म से क्या हो गया डिलीशन एट द बिगनिंग का केस हो गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन एट द बिगनिंग है ना वो हमारे को आता है और ये जो था इंसर्शन एट द एंड इंसर्शन

वही बात है भाई डब्ल्यू इंग्लिस में इंसर्शन और डिलीशन एट द बिगनिंग करना है कौन सा टाइम में होता था वो आप जानते ही हो कोड वगैरह हमने पहले आपको सर लिख करके दिखा है आप वो देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर ठीक है हम यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे हमारा काम खत्म हम हो चुका है जी बस तो ये इंप्लीमेंटेशन थी क्यू या स्टैक की यूजिंग टेक बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है आई थिंक समझ समझे करो नोट डाउन आते हैं आगे नेक्स्ट है जी प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू क्या है पहली बात तो इसको थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझो प्रायोरिटी क्यू इज़ एनी डेटा स्ट्रक्चर डेट सुपोर्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सर्च मिन या मैक्स इंसर्ट एंड डिलीट मिन और मैक्स रिस्पेक्टिवली तो इसका मतलब क्या हुआ और मैक्स रिस्पेक्टिवली का मतलब सिंपल यहां पर यह है कि सर्च मिन करोगे इंसर्ट करोगे और डिलीट मिन करोगे या फिर सर्च मैक्स करोगे इंसर्ट करोगे और डिलीट मैक्स करोगे ये होता है जी प्रायक्यू ठीक है ये मिन और मैक्स का क्या मतलब है वो एक्चुअली मिन मतलब यहाँ पे मिनिमम प्रायोरिटी से है ये नाम है ना प्रायोरिटी क्यू तो मिन का मतलब मिनिमम प्रायोरिटी मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी ठीक है ना तो मतलब समझ में आ गया प्रायोरिटी क्यू में देखो प्रायोरिटी क्यू दो तो टाइप का होगा क्या क्या एक तो होगा जी सर्च मिन एक ऑपरेशन आप कर सकते हो सर्च मिन फिर इंसर्ट और डिलीट मिन प्रायरिटी मिनिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को सर्च करना इंसर्शन करना इंसर्शन तो जो भी है रैंडम है और डिलीट भी करना है तो मिनिमम प्रायोरिटी वाले को करना है डिलीट ऐसे नहीं कि, कि किसी को उठाकर डिलीट मार दो ठीक है डिलीट करना है तो मिनिमम प्रायोरिटी वाले को डिलीट करना होगा ऐसे सर्च करना है तो मिनिमम प्रायोरिटी एलिमेंट को सर्च करना है बाकी को सर्च नहीं करना सिर्फ मिनिमम प्रायोरिटी एलिमेंट को सर्च करना है और इंसर्ट तो रैंडम है भाई है ना भाई जो भी प्रायोरिटी का एलिमेंट आएगा हम उसको इंसर्ट करते चले जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा दूसरा क्या होगा जी सर्च मैक्स मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को सर्च करना इंसर्ट करना और इंसर्ट कोई भी जो भी एलिमेंट आएगा हम उसको इंसर्ट करेंगे और डिलीट मैक्स max, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला जो एलिमेंट होगा हम उसको डिलीट कर पाएंगे दो तरीके के, के प्रायरटी क्यों बनेंगे uh, uh, जैसे मतलब यू कैन से सर्च मिन इंसर्ट और डिलीट मिन और दूसरा बनेगा सर्च मैक्स डिलीट इंसर्ट और डिलीट मैक्स ये ये ऑपरेशन हमारे को परफॉर्म करा के दिखाने हैं तो एक प्रायोरिटी क्यू होगा जिसमें हम मिनिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ही सर्च कर पाएंगे और इंसर्ट जो भी प्रायोरिटी वाला आ रहा है उसको हम इंसर्ट कर लेंगे और डिलीट भी करेंगे तो, तो सिर्फ मिनिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे ऐसे ही दूसरे तरीके का प्रायोरिटी क्यू हो सकता है जिसमें हम सर्च करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट को और उसके मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को हम सर्च करेंगे इंसर्ट जो भी प्रायोरिटी का करना है आप उसको इंसर्ट करोगे और डिलीट करना है तो वही मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ही आप डिलीट कर पाओगे ऐसे नहीं कि किसी को उठा करके डिलीट मार दिया ना मैक्सिमम एलिमेंट वाले को ही मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले को ही डिलीट कर पाओगे ठीक है तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा नाम है इनके कि इस वाले को क्या कहेंगे इस वाले को क्या कहेंगे उसमें हम ज्यादा इतना नहीं फंस रहे हैं वो स्टैंडर्ड बातें नहीं है दैट इज मोर देन सफिशियंट तो दो तरीके के प्रायटी क्यू हो सकते हैं जी पहले तरीके का प्रायटी क्यू क्या होगा जिसमें हम सर्च करेंगे तो सिर्फ मिनिमम प्रायटी वाले एलिमेंट को सर्च करेंगे बाकी को सर्च नहीं करेंगे और इंसर्ट करना चाहते हैं वो करो और डिलीट करना तो सिर्फ मिनिमम प्रायरिटी वाले को ही करोगे आप और किसी को डिलीट नहीं कर सकते दूसरा होगा मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ही आप सर्च कर सकते हैं बाकियों को नहीं सिर्फ मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को सर्च करना है इंसर्ट करना तो जो मर्जी करो इंसर्ट मतलब किसी भी प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को इंसर्ट करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट डिलीशन करेंगे तो फिर मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ही आप डिलीट कर पाओगे ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर डिलीट कर दो आई थिंक सब ठीक है तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी क्यू तो मतलब मोटी मोटी बात यहाँ से क्या निकल के आती है कि तो है। जो भी जैसे भी है, आप इंसर्ट करते जाओगे लेकिन डिलीशन पे हमने लगा रखी है या तो मिनिमम वाला एलिमेंट डिलीट होगा या फिर मैक्सिमम प्रायटी वाला एलिमेंट डिलीट होगा सर्च तो एक बेसिक ऑपरेशन है उसको तो छोड़ दो क्योंकि देखो सीधी सी सारे डिलीट करना है तो पहले सर्च करना पड़ेगा तो फिर डिलीट करोगे डिलीशन हवा से तो होगी नहीं ना पहले आप सर्च करोगे उसी के बाद डिलीट करोगे ना तो सर्च की तो कोई बात नहीं मतलब मेन बात इंसर्सन डिलीशन की करो जैसे हम नॉर्मल क्यू की बात करते थे उसमें एनक्यू डी ऑपरेशन बात करते थे एन क्यू होगा तो वही बात है रियर एंड पे होगा और डी क्यू होगा तो वो फ्रंट एंड पे होगा ऐसे ही जब हम स्टैक पड़ा करते थे तो वो पुश और पॉप मतलब इंसर्ट डिलीट का ही बेसिक मेन काम रहता है तो मतलब हम डायरेक्टली इंडाक्टली क्या कह सकते हैं अगर हम इन पे कंसेंट्रेट करें इसको दो मिनट के लिए छोड़ दो तो इंसर्शन तो रैंडम ही है प्रायोरिटी क्यू आप कैसे भी बना लो इंसर्शन तो रैंडम है जैसे चाहो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो लेकिन डिलीशन के टाइम पे हमारे ध्यान रखना पड़ेगा या तो मिनिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट करते हैं या फिर मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट करते हैं दो पॉसिबिलिटी मतलब डिलीशन पे रेस्ट्रिक्शन है इंसर्शन जैसे तो वैसे कर सकते हो ठीक है और वही बात है मिनिमम प्रायोरिटी एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो बेटा पहले सर्च तो करोगे तभी तो डिलीट तो uh, तो तो मारोगे ऐसे कैसे करोगे तो वही चीज है हमने यहाँ पे सर्च मैक्स लिखा है आप लोगों को ठीक है तो सिंपल भाषा में बात कर तो प्रायोरिटी क्यू की क्या खास बात होती है इसमें हमारे पास इंसर्शन जो चाहो वैसे इंसर्ट करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे भी प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स आ रहे होंगे करते चले जाना और डिलीट मेन का मतलब क्या होगा आ, 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 मतलब डिलीशन डिलीशन इज पे तो लगा रखी हमने है ना ठीक है चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या सीन है प्रायोरिटी वगैरह एंड सॉन तो जैसे सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ प्रायोरिटी क्यू जैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ हमने एक एक प्रायोरिटी असाइन कर रखी है ठीक है तो हम प्रायोरिटी क्यू के लिए क्या कह रहे हैं एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ये हमारी एक्सम्सन रहेगीरिटी हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से हम चलते हैं अब जैसे अब, अब प्रायोरिटी भी एक किस्म से एक नंबर हो सकता है तो मिनिमम नंबर मैक्सीम प्रायोरिटी या मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम प्रायोर्टी वो आपकी इच्छा कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जैसे रैंक है रैंक वन अच्छी टेन अच्छी रैंक वन अच्छी तो ज्यादा प्रायोरिटी छोटा नंबर ज्यादा प्रायोरिटी या फिर बड़ा नंबर बड़ा प्रायोरिटी आप चाहते हो वैसे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ठीक है टेन है, है तो वो ज्यादा प्रायोरिटी है वन है तो वो कम प्रायरिटी वो आपकी इच्छा है जैसे मर्जी करो क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा बताता हूँ गेट में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एमबीग्यूअस हो कुछ ना कुछ वो आपको हिंट देंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम प्रायोरिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है ओके तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैं बोलता हूँ हर एक एलिमेंट के साथ हमने प्रायोरिटी देनी ना तो मैं बोल देता हूँ पांच वन और वन मतलब पांच की प्रायोरिटी वन है नाइन की प्रायोरिटी है से चार ठीक है तीन एक नंबर है जिसकी प्रायोरिटी है मतलब ये नंबर ये प्रोट ये नंबर ये 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 चला रहे हैं ठीक है ना तो मतलब हर एक हर एक यू कैन से एलिमेंट इज जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हम इस प्रोग्रामिंग की बात करें या उप्स की बात करें तो एक किस्म से ऑब्जेक्ट है सारे है ना या आप वो सभी भी मत फसो क्योंकि गेट में है नहीं आप स्ट्रक्चर की तरीके से समझो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है जिसमें लैंग्वेज तो आपने मेरे से पढ़ी है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं दो दो वैल्यूज हम ले रहे हैं ना जैसे आपने बोल दिया कि स्ट्रक्ट आइटम उसमें दो हो जाएंगे एक इंट एक्स और एक इंट वाई। ठीक है वो सब आप प्लीज आप जानते हो वो सब आप अपने आप लिख सकते हो मैं ज्यादा सी लैंग्वेज के सिंटेक्स में नहीं फंसना चाहता मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि दो दो वैल्यूज है है ना तो मतलब एक एक नंबर हो जाएगा और एक उसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी नंबर ये ये नंबर तीन और उसकी प्रायोरिटी हम ले लेते हैं से दो ठीक है एक एलिमेंट दस हो गया उसकी प्रायोरिटी ले, ले लेते हैं से तीन एक एलिमेंट हो गया छे और उसकी प्रायोरिटी हम ले लेते हैं से पांच ठीक बस इतने एलिमेंट्स हमने ले लिए तो अब जब मैं इनको इंसर्ट करने की बात करूंगा तो मैंने क्या बोलता इंसर्शन इज रेंडम एक एक करके इंसर्ट करते जैसे पहले पांच आया तो हमने उसको इंसर्ट कर दिया तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पांच आया और उसकी प्रायोरिटी ऐसे हमने यहाँ पे वन रखी हुई है फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया नाइन तो हमने नाइन और उसकी प्रायोरिटी चार सेट रखी हुई है यहाँ पे तीन आया तो उसकी प्रायोरिटी दो हमने रखी हुई है यहाँ पे दस आया तो उसकी तीन रखी हुई है और यहाँ पे आया तो उसकी हमने पांच रखी हुई है ऐसे करके हमने इसको सोच लिया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस के कि थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं दो तरीके हैं या तो एक टू डी एरे के फॉर्मेट में कर लो या फिर एक लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हो तो टू डी एरे में मतलब तो वही बात है दो दो एलिमेंट्स एलिमेंट सारा ना इसलिए पांच और एक नौ चार तीन दो दस तीन छः पांच आपकी इच्छा ऐसे या फिर आप कोई है लिंक टाइप हो सकते थे पांच और एक ठीक है और उसके आगे फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा और यहां पे नाइन फोर और इधर आ करके तीन दो और फिर इधर आ करके दस तीन और इधर आ करके छः पांच और, और ये न ठीक है ऐसे इंप्लीमेंट कर लो तो मतलब डायरेक्टली इन ड्रेक्टी हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करना है तो ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं हमेशा बताओ या तो एरे या लिंक लिस्ट तो यही चीजें होती है तो आप चाहो तो एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो चाहो तो लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और मोर प्रिसली बात करूं तो हमने ये अनऑर्डर्ड एरे की तरीके से रखे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग वाला तो सीन करा नहीं तो डायरेक्टली डायरेक्टली बात करें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप हमने काम किया है ठीक है ना अनऑर्डर्ड है ये एरे इज अनऑर्डर्ड

अब बात तो है की डिलीशन की तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि रैंक वाली बात है लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी ठीक है सो नाउ आई एम अज्यूमिंग लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी शॉर्ट में लिख दिया मैंने छोटा नंबर होगा तो प्रिटी ज्यादा होगी तो अब आप जरा मुझे बताओ कैसे आप यहां से डिलीशन करेंगे तो अगर आप इस एरे फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहां से डिलीशन कैसे होगा ये देखो भाई 5 1 है ना सबसे पहले ये तो सबसे बात है पहले सर्च करना पड़ेगा ना मिनिमम प्रायोरिटी यहाँ से हम सर्च करेंगे तो यहाँ से आकर के हम सर्च करेंगे तो न, 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 वन इज द मिनिमम मिनिमम ऑफ कोर्स आपको पता है निकालना, निकालना में, र, है निकालना निकालना मैक्सिमम एरे में रैंडम अगर तो थीटा एन टाइम लगता था क्योंकि हर एक एलिमेंट को हमारे को देखना पड़ेगा ना एन से, तो एन तो हमारे को सर्च करना पड़ेंगे तो थीटा एन टाइम में हमारी सर्चिंग होगी और उसके बाद जब आप डिलीशन करोगे तो यहाँ से ये एलिमेंट उड़ाओगे तो ऑफकोर्स या तो एक तरीका तो है कि इन सबको हम शिफ्ट करें

हम क्या कहेंगे कि लेंगे ठीक है तो डिलीशन होगी कैसे सबसे पहले जो एलिमेंट डिलीट होगा विल बी फाइव ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो बहुत आसान है बता दोगे पांच के बाद कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा तीन तीन के बाद कौन सा डिलीट होगा दस दस के बाद कौन सा डिलीट होगा नौ और नौ के बाद कौन सा डिलीट होगा छ मेरे ख्याल से आप समझ पाओगे तो बहुत ईजी काम है ना तो पहले पाँच डिलीट होगा और फिर आप वही बात है सर्च करना पड़ेगा ना पूरे पूरा को ऐसे कैसे करोगे ऑब्वियस है है ना यहाँ पे भी वही चीज वही सीन है अब यहाँ पे शिफ्टिंग भी शिफ्टिंग वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि लिंक लिस्ट है आ, आ, वो जो भी है नोट डिलीट करते जाए आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे भी वही बात बोलेंगे डिलीशन में मेन बात क्या है थीटा एन टाइम लग जाएगा तो मतलब मोटी मोटी बात क्या हुई इंसर्शन में थीटा वन है डिलीशन में थीटा है चाहे आपने एरे से इंप्लीमेंट किया चाहे आपने लिंक से इंप्लीमेंट किया हमारे को एक परसेंट विश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है जी तो एक तरीका हो गया ये इंप्लीमेंटेशन का क्यों की बताओ भाई देख के समझ में आ कि नहीं ठीक है तो फाइनली हम समरी में क्या कहेंगे फर्स्ट वे जो हमने फर्स्ट वे देखा इंप्लीमेंटेशन का उसमें हमने क्या सीखा कि इंसर्शन टा वन एंड डिलीशन ईटा एन और ये कब हुआ है जब हमने यूज करा अनऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट ठीक है ना मतलब जो भी हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मेंटेन करें वो अनऑर्डर्ड है वो ऑर्डर्ड नहीं है

बताओ भाई क्लैरिटी आई काम में ठीक है और सर्चिंग में अफकोर्स आप समझ पा रहे हो अगर आपको सर्च करना चाहते हो तो अफकोर्स ठीक लगेगा तीन ही ऑपरेशन थे ना इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग तो इंसर्शन रैंडम है डिलीशन वही बात है डिलीशन मैक्स होगा तो सर्च भी मैक्स होगा और डिलीशन मिन होगा तो सर्च भी मिन होगा ना? क्योंकि उसी तरीके से ही इम्प्लीमेंट कर आप, आप करना चाहते तो हो जो मिनिमम प्रायोरिटी का एलिमेंट होगा उसको डिलीट करना, तो सर्च, भी आप को ही करना सर्च मैक्स करोगे तो वही बात है उल्टा सीधा काम हो जाएगा उसको कोई फायदा है नहीं तो जनरली प्रायोरिटी को इसी तरीके से चलते हैं आई थिंक आप समझ पा रहे हो ठीक है ना ओके जी तो इन इनसरसन डिलीशन ऑफ द यू कैन से हमने पहले मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ही डिलीट किया है और सर्च भी हमने मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट को ही किया था तो इंसर्शन थीटा टाइम होगा डिलीशन मैक्सिमम थीटा टाइम टाइम होगा सर्च मैक्स भी थीटा टाइम होगा या फिर आप उल्टा चलाते इंसर्शन करते थीटा वन डिलीशन मिनिमम सर्च मिनिमम तो डिलीशन में मतलब मिनिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को पहले डिलीट करना या सर्च भी करना तो मिनिमम प्रायोरिटी वाले को करना तो वही सेम सी नहीं आ जाएगा कुछ नहीं है और जो हमने जैसे यहाँ पे डिलीशन किया था बस उसे उल्टा ऑर्डर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा तो काम तो वही होने वाला है ठीक है ना तो लेट मी कॉपी दिस हाँ जी और यहाँ पे आकर के हम क्या लिख देंगे मिन और यहाँ पे मिन कर देंगे ठीक है ना रिलेशन मिनिमम और सर्च मिनिमम ठीक है अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये कहानी होगी दैट इज द फर्स्ट वे अच्छा जी अब एक तरीका हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन का ठीक है वो क्या हो सकता है जैसे यहीं पे ही मैं आपको दिखाऊंगा अगर एक तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप किया था ना दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा हम ना ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप बनाने की कोशिश करें ऑर्डर्ड लिस्ट

तो कितने एलिमेंट्स हैं जी ये ये देख लो एक दो तीन पांच एलिमेंट हैं तो पांच एलिमेंट की जगह बना लो एक ठीक है ना एक दो तीन चार पाँच ठीक है जी पांच एक आ गया अच्छा अगला क्या है जी नो चार नो चार आया तो एक से कंपेयर किया होगा वही इंसर्शन सरसन शॉर्ट जो मैंने आपको पढ़ा रखी उसी तरीके से आप चला सकते हो तो नो और चार इधर आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि एक से बड़ा था चार इसलिए इधर आ गया उसके बाद फिर तीन दो आया तो दो ई बात है पहले एक से कंपेयर हुआ बड़ा निकला तो फिर चार से कंपेयर किया छोटा निकला तो तीन दो यहां आएगा नो चार को हम इधर शिफ्ट कर देंगे ठीक है ना नो इधर चार इधर तीन और दो अच्छा उसके बाद फिर दस तीन आया दस तीन आया तो वो क्या करेगा ये, तीन तीन आया ना तो एक से कंपेयर किया उससे बड़ा निकला दो से कंपेयर किया उससे भी बड़ा निकला चार से कंपेयर किया तो उससे छोटा निकला तो फिर वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है छ पांच तो उसमें मतलब पांच है प्रायोरिटी प्रायर है चार से कंपेयर किया बड़ा तो ठीक है ना आ, और ये ऐसे बोले बात समझ आई तो ऑफ कोर्स आप अपने आप से समझ पा रहे होंगे इंसर्शन सॉर्ट वाली बात है अगर हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है वही बात है एन एलिमेंट्स का उसमें आप एक एलिमेंट डालना चाहते हो तो हम वही बात है एन कम्पेरिजन करने पड़ जाते थे तो ठीक है ठीक है ना बेस्ट केस में फोर सीटा वन होगा और वर्स्ट केस में थीटा टाइम तक चला जाएगा बट वही बात है बेस्ट केस में अगर आप इंसर्ट करने की भी कोशिश करोगे तो फिर जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो बाकी को शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा शिफ्टिंग करना पड़ेगा तो वही चीज है थीटा टाइम टाइम ही आ जाएगा हर एक केस में चाहे आप कुछ मर्जी कर लो ठीक है ना आई थिंक आप समझ पा रहे हो तो कहीं पे कंपेरिजन कम हो जाएंगे और कंपेरिजन कम होंगे तो फिर शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी एंड सॉ वो सब बातें हमने हमनेट में कर रखी है बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है हम सीधा बोल करके भागेंगे क्या इंसर्ट अगर आप करना चाहते हो तो थीटा टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा ठीक है? अच्छा अब बात उठती है जी आ, इसी में अगर हम एरे की बात करते हैं इसमें इंसर्ट तो हो गया थीटा एन टाइम में सर्च बताना तो कोर्स वही बात है मैक्सिमम प्रायोरिटी को हम सर्च करने की कोशिश कर रहे होंगे तो सर्च मैक्स कोर्स थीटा वन कैसे पहला एलिमेंट ही होगा काम खत्म होगा ना मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला क्योंकि हमने इसी तरीके से यू कैन से शॉर्ट करके रखा है वन टू थ्री फोर फाइविसम प्रोटी मिनिमम प्रायोरिटी एंड तो हम मैक्स वाला चाहते हो तो सर्च मैक्स थीटा मैक्सा या सर्चमिन चाहते हो तो भी थीटा थीट थीट क्योंकि लास्ट वाला होगा वो तो उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है पर अभी फिलहाल हम वही मैक्सिमम वाला काम कर रहे हैं इसलिए हम इसी ऐसे दिखा रहे हैं इंसर्ट हो जाएगा थीटा ठीटाइन टाइम में क्योंकि आप समझ पा रहे हो गए भाई कंपेरिजन करके करना पड़ेगा सर्च करना चाहोगे तो थीटा वन टाइम में हो जाएगा और अगर आप डिलीट मैक्स करना चाहोगे तो यहाँ मजा आएगा बताओ डिलीट मैक्स में कितना टाइम लगा होगा अगर आपको उसको उड़ाना है तो बेटा बाकी सबको शिफ्ट करना पड़ेगा फिर अगर शिफ्टिंग नहीं करोगे तो फिर एलिमेंट्स आप कैसे आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी एलिमेंट्स की अगर आप शिफ्टिंग नहीं करोगे तो फिर वही बात है अरे हमारा भरा हुआ रहेगा और जगह खाली रह जाएगी एंड so मतलब मैं जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं आप समझ पा रहे होगी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी पांच वन को डीट करने मतलब क्या होगा एलिमेंट्स को शिफ्ट करो एक्सेट्रा ठीक है जी ओके okay. तो ये हो गया जी ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में अगर आप एरे के फॉर्मेट में चलते हो तो अच्छा ऐसे ही अगर आपको से मिनिमम uh, वाला काम करना चाहते थे तो इंसर्टन होती थी टाइम टाइम में सर्च मिनिमम करना चाहते थे तो लास्ट वाला हो जाता डिलीट मिनिमम करना चाहते थे तो वो बेटा थीटा वन टाइम में हो जाता कंफर्म है क्यों क्योंकि उसमें हमारे शिफ्टिंग करने की जरूरत ना पड़ती ठीक yeah. है तो वही बात है आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया इट अंडली डिपेंड्स ऑन यू है ना हमने कैसे इसको किया है जी ये एक किस्म से डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को डाला है ये मैक्सिमम है ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम, ये उससे कम। तो मैक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है और उसमें आगर आगर आप अगर आप मैक्स वाला को करना चाहते हो सर्च मैक्स करना चाहते हो तो थ्री वन तो होगा हो ही होगा लेकिन डिलीट मैक्स करना चाहते हो तो थ्री टेन टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और यही अगर यही हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है और अगर हम यहाँ पे डिलीट मिनिमम करने की कोशिश करेंगे तो वो कन्फर्म है कौनसन टाइम हो जाएगा क्योंकि लास्ट को डिलीट करना शिफ्टिंग विफ्टिंग का कोई टेंशन ही नहीं होगा I think आप समझ पा डिपेंडेंट हाँ, तो 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 आप आप कर तो करता है कि आप किस तरीके से चाहते हो काम को करना है ना तो फिलहाल इस तरीके से अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो ऐसे होगा और अगर अगर आप दूसरे तरीके से चाहते थे तो इंसर्ट होता जी थीटा एन वो तो कंफर्म है ही है सर्च मीन अगर आप करना चाहते तो आप बोल देते थीटा वन और अगर आप डिलीट मिन करना चाहते तो थीटा वन वाई थीटा वन क्योंकि इसमें शिफ्टिंग के जुड़ते नहीं है आखिरी वाला जो एलिमेंट होगा वही डिलीट करना पड़ेगा आपको क्योंकि यही है मिनिमम प्रायोरिटी पांच द मिनिमम प्रायोरिटी सीधा डिलीट हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है शिफ्टिंग या किसी चीज कोई हमारे को, को जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो मतलब मोटी मोटी बात अगर मैं करना चाहूं कि ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू अगर आप काम करना चाह रहे मतलब यू कैन से एरे है हमारे पास टूडी एरे है और ऑर्डर्ड एरे की तरीके से आप काम करना चाह रहे हो उस केस में आपको क्या करना चाहिए था अगर आपको डिलीट मैक्स वाला करवाना है implement, तो आपको क्या करना चाहिए था इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी चाहिए थी priority. और अगर आप delete करना चाहते हो तो of course decreasing order में रखना चाहिए तब आप काम कर पाओगे तो मतलब मोटी मोटी बात क्या पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास डिलीट मैक्स करना डिलीट करना चाहते वो भी थीटा वन में हो सकती है तो डिलीट मैक्स अगर आप थीटा वन टाइम करना चाहते हो तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायरिटी रखनी चाहिए थी? जैसे मतलब फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे आना चाहिए ठीक है और अगर आप डिलीट मिन करना चाहते हो तो ऑफकोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी चाहिए वही हमने रखी हुई है प्रायोरिटी ये मैक्सिमम प्रायोरिटी है मिनिमम प्रायोरिटी है हो जाएगा मतलब मेन बात क्या है कि हम इसी काम को कर सकते हैं वो बात इंसर्शन में हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंसर्शन किस तरीके से करते हो आई थिंक आप समझ पा रहे हो तो मतलब अगर आप ये ऑर्डर लिस्ट अगर आपको वर्ड कंफ्यूज कर रहा है तो आप ऐसे समझ लो ऑर्डर्ड एरे लिख लो बस ठीक है ना ऑर्डर्ड एरे टाइप ठीक है और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो एरे टाइप हो गया ये सॉरी अनऑर्डर्ड एरे होगा और ये list type हो गया ऐसे आप समझ सकते हो क्योंकि list से कई हो 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 जाते हैं ठीक ठीक है है तो ये list type हो गया। ये गया गया जी है। को है? अगर आपने ऐसे इंप्लीमेंट किया तो ये ये बनेगा आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ठीक है जी ओके okay. तो फाइनली अब हम uh, क्या कह सकते हैं ये चीज होगी सेकंड वे में हम अब आ चुके हैं सेकंड वे में हम इसी की कॉपी बना लेना हम्म हो जा भाई जी तो इंसर्शन अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है जी हाँ जी तो आपको टाइम लग रहा है जी थीटा एन और डिलीट मैक्स मैक्स या सर्च मैक्स में आपको टाइम लगता है जी थीटा वन कब जब आप ऑर्डर्ड एरे लेते हो ऑर्डर्ड एरे ले रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो ये, ये डिलीट मैक्स करना है ना मतलब मैक्स मैक्सिमम वाला बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम तो मिन से मैक्स की तरफ जा रहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो में प्रायोरिटी के हिसाब से आपको आ, और रखना चाहिए प्रायोरिटी क्या क्या इंक्रीज होती चली जाएगी ऐसे करना आपको आई थिंक आप समझ पा रहे हो है ना ओके और दूसरा तरीका क्या होगा एन टाइम और ये दोनों ही थीटा वन टाइम में हो सकते हैं अगर आप क्या करते हो ऑर्डर्ड एरे लेकर के चलो ऑर्डर्ड एरे और इसके लिए क्या चाहिए होगी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ठीक है ना डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रखना चाहिए था देखो भाई आराम से अनऑर्डर्ड लिस्ट अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं अनऑर्डर्ड एरे बोल देता हूं ठीक है अनऑर्डर्ड एरे हो गया जी अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकेंड वे में हमने क्या सीखा इंसर्शन थीटा टाइम लगा देगा ऑफ कोर्स है ना क्योंकि हमारे को elements को एलिमेंट्स मतलब हम insertion type हम इंसर्शन टाइप चला रहे हैं तो ऐसे समझ लो एक एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर है ना और ordered array है, उसमें हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं तो शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी पड़ेगी एंड सॉन्न उस, उस चक्कर में या, या तो सर्चिंग बोर्ड जल्दी हो जाएगी सर्चिंग बोर्ड जल्दी हो जाएगी तो फिर वही बात है शिफ्टिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी है ना और अगर सर्चिंग में ज्यादा टाइम लग गया तो फिर शिफ्टिंग में कम टाइम लगेगा आई थिंक ये सब आप जानते हो हमने इंसर्सन शॉर्ट में सारी बातें कर रखी है ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है तो इंसर्शन हो जाएगी एन टाइम में डिलीशन में डिलीशन ऑफ मैक्स और सर्च मैक्स थीटा मैक्साइम हो जाएगा अगर ऑर्डर डायरे ले, ले रहे हो आप इंक्रीजिंग प्रायोरिटी और अगर आप ऑर्डर ले रहे हो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी दैट इज द सेकंड वे अच्छा अब हम बात करेंगे सेकंड वे में ही लिस्ट की है ना लिंक लिस्ट की तो उसमें शिफ्टिंग वगैरह की कोई टेंशन होनी नहीं है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं जैसे ये था ना हाँ तो हम इसको ऐसे बनाएंगे पांच सबसे पहले जैसे वही बात उठेगी और बार बार आप वो तो ना दिखाऊ ना जैसे हमने यहाँ पे इंसर्शन करके दिखाई दिया तो बार बार हमारे उसे पाँच एक है चलो एक एक मिनट लगे कर देते पांच एक है तो पांच एक ठीक है जी ऐसे ठीक है तो अभी फिलहाल यही होगा एलिमेंट और यहाँ पे एक खाली होगा उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी नो no, चार है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा जी नो no, चार तो यहाँ से वो आपको बनाना आता है ये कोड वगैरह मैं लिख लिख के टाइम पास नहीं करना चाहता नौ no, चार और यहाँ पे नल हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है जी हमारे को तीन दो तो तीन दो का मतलब क्या होगा यहाँ पे ये इंसर्शन हो जाएगी मेरे ख्याल से आप प्लीज ये सब जानते हो है ना ना करो ना वो सब प्लीज बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा मैं सीधा ही आपको बस लिख के दिखा देता हूँ हमारे पास लिंक लिस्ट बन जाएगी और कन्फर्म है कोई ठीक टाइम ही लगना है उसमें कुछ है नहीं तो मैं इसी से ही फटाफट से कॉपी करके दिखाता हूँ पांच एक तीन दो दस तीन नौ चार छ पांच यहाँ बस थोड़ा सा बढ़िया काम होगा एक ठीक है हाँ यहाँ पे क्या मजा है कि जैसे आप आप इसी लिस्ट्स के थ्रू है ना जैसे आपने यहाँ पे डिक्रीजिंग आ, आ, प्रायोरिटी के हिसाब से हमने ये लिंक लिस्ट बना ली है तो चाहे आप सर्च मिन करना चाहते हो चाहे आप डिलीट मिन करना चाहते हो या आप सर्च मैक्स या डिलीट मैक्स कोई टेंशन की बात नहीं है सब कुछ फर्स्ट क्लास कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगा इन सर्शन में ऑफकोर्स ठीक टाइम टाइम लगने लगने ठीक है तो इस लिस्ट में ये तो आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे इंसर्शन में तो बेटा थीटा एंड टाइम लगने लगना है ना क्योंकि हमारे को सर्च करना पड़ सकता है हाँ, अब यहाँ पे ये बात उठेगी कि अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं बेस्ट केस में कॉन्सेंट टाइम भी हो सकता है है ना जैसे वन से ही छोटा जैसे सपोज कर लो सबसे पहले पांच आया और पांच के बाद हमने जो इंसर्ट करना चाहे वो चार चाहा तो चार और पांच कोमेयर उससे पहले सेटल हो जाएगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग का वो सबकी टेंशन खत्म है एरे में शिफ्टिंग की टेंशन थी यहाँ पे शिफ्टिंग की टेंशन खत्म है इंसर्शन में बेस्ट केस में कॉन्सेंट टाइम भी लग सकता है आई थिंक आप समझ पा रहे हो गे है ना और वर्ष केस में थीटा ठीटाइन एवरेज केस में अफकोर्साइन क्योंकि आधे में हमारे को इंसर्शन करना पड़ेगा एंडसन वो सब आप जानते ही हो लिंक लिस्ट वाली बात है बेटा है ना वो सब मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है ऐसे समझ लो आप ऑर्डर्ड लिस्ट है आपके पास ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है उसके अंदर आपको इंसर्शन करना है किसी एलिमेंट को तो बेस्ट केस में क्या होगा शुरू में इंसर्शन करना पड़ जाए है ना भाई सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड है सॉर्टेड है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी है ना जैसे देखो एक दो तीन चार पाँच ठीक है ना आप जैसे मैं सपोज कर लो मैं जीरो बोल देता हूँ ना छोटा नंबर ज्यादा प्रायोरिटी जीरो आ गया तो जैसे तो उसको इससे पहले, पहले इंसर्शन तो पूरा ठीक टाइम भी ले सकता है क्योंकि तीन से फिर चार से फिर पांच से फिर जा करके आगे छह पे जाकर एलिमेंट डालेगा मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो ना क्योंकि रैंडम एक्सेस तो है नहीं ना लिंक खैर वो सब आप जानते हो मुझे बोलने की नहीं है कौन सा केस की बात करो ठीक है चलो इंसर्सन रिटेन अच्छा उसके बाद चाहे आपको डिलीट मिन करना है ऑफ थीटा वन क्योंकि मिनिमम एलिमेंट की डिलीशन आप करना चाह रहे हो अगर तो यहीं से हो जाएगी डिलीशन मतलब अब मिनिमम प्रायोरिटी वाले को डिलीट करना तो मतलब डिलीशन एट द एंड हाँ अब एक काम ये आप कर सकते हो कि दो है, ले लेना एक हेड और एक टेल ठीक है उससे काम अच्छा हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही है हेड uh, हेड नाम का पॉइंटर है क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है तो आप समझ लीजिए हेड नाम का ही पॉइंटर होगा और कुछ होगा नहीं हमारे पास तो तो गड़बड़ हो जाएगी वैसे है तो तो लास्ट uh, तो में जाकर मिलेगा तो वो ठीटा एंड टाइम खा जाएगा हमारा ऐसे ही सर्च uh, मिन अगर आप करना चाहोगे तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के मिलेगा तो वो भी बेटा ठीटा एंड टाइम खा जाएगा ठीक है हाँ और अगर आप मैक्सिमम uh, uh, वाली बात करना चाहोगे तो यहाँ पे इससे वो इम्प्लीमेंट अच्छा हो जाएगा इंसर्शन अगर आप करना चाहोगे तो ऑफकोर्स थीटा एंड टाइम लगेगा डिलीट मैक्स चाहते हो अगर आप तो थीटा वन टाइम में हो जाएगा और सर्च मैक्स अगर आप चाहते हो तो वो भी थीटा वन टाइम में हो जाएगा क्योंकि वही इंसर्शन और डिलीशन वही मतलब सर्चिंग भी यही जहाँ हेड पॉइंट करा वही रिटर्न कर लो और क्योंकि वही मैक्सिमम प्रायोरिटी है और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीशन एट द बिगनिंग और एक झटकी में हो जाती थी हमारे पास लिंक लिस्ट में तो ये हो जाएगा है ना हाँ लेकिन अगर आपने अब वही बात है अगर आप डिलीट मिन या सर्च मैक्स करना चाहते हो सॉरी डिलीट मिन और सर्च मिन करना चाहते हो तो आप इनको डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये अभी ऑर्डर में था आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से चल लेते तो आप वो कर जाते फटाफट -फड़ से है ना आ, क्योंकि यहाँ पे पांच होता है यहाँ पे चार यहाँ पे तीन दो एक प्रायोरिटी के हिसाब से देखो बेटा है ना तो उससे मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है ना हाँ तो मेरे को लग रहा था शायद होगा बट वो बात मतलब बनती नजर आने रही है ना तो जैसे एरे में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा है ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑर्डर डायरे इंक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपने किया होगा तो ऐसे था ऐसी ऑर्डर डायरे डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में ऐसे किया था और इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ मतलब ऐसे लिंक लिस्ट में हो रहा है ना हमारे को लग रहा था कि शायद लिंक लिस्ट में थोड़ा बढ़िया काम हो जाएगा बट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास अगर दो पॉइंटर ले लोगे ना तो, तो बढ़िया काम हो जाएगा है ना एक हेड पॉइंटर ले लो और एक टेल पॉइंटर ले लो तब तो आप बढ़िया काम कर जाओगे मतलब चाहे आप डिलीट मिन करना चाहते हो या डिलीट मैक्स करना चाहते हो सर्च मिन करना चाहते हो सर्च मैक्स करना चाहते हो वो आप बहुत जल्दी कर जाओगे है ना टेल के थ्रू हो जाएगा एंड एंडसोन बट अगर सिर्फ एक ही सिंगली लिंक में जनरली एक ही पॉइंटर होता है इज हेड जो तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है बाकी पॉइंटर नहीं है हमारे पास ठीक है ना बाकी के लिए पॉइंटर नहीं है तो फिर तो आएगी ना दिक्कत ठीक है आई थिंक मतलब आप समझ पा रहे हो दो पॉइंट ले लोगे तो हो जाएगा तो वही बात है बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि किस तरीके से आपने आ, वो बोलेगा कि प्रायोरिटी हमने इंप्लीमेंट किया यूजिंग अ सिंगली यूजिंगलींक लिस्ट और हेड और टेल दो है 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 हेड पॉइंट पॉइंट कर कर रहा रहा फर्स्ट नोड को टेल लास्ट नोड को एंड सॉन तब ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे ठीक है खैर आप समझ पा रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है ना इतना ज्यादा बोलने का कोई फायदा है नहीं तो हम एक ही पॉइंटर के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐसे होगा तो अब मैं यहाँ पे एक बार फटाफट से इनको चेंज कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू अगर आपने किया और इंक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से चला होगा तो आ, अच्छा यहाँ पे एक ये गड़बड़ होगी अगर आपने एक बात ये देखो अगर आप यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से हमने चलाया है ना ये मैक्सिमम ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम और उसमें हमारे पास डिलीट uh, मैक्स और सर्च मैक्स बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था है ना तो डिलीट मैक्स और सर्च मैक्स हुआ था कब जब आपने डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में चलाया था है ना एक बार मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं ऑर्डर लिस्ट तो यहां पे इंक्रीजिंग और यहां पे डिक्रीजिंग ये बस ये चेंजेस हो जाएंगे ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी समझ गए ना

आप समझ पा रहे थे कि लास्ट एलिमेंट को हमें डिलीट करना ज़्यादा फायदेमंद लग रहा था तो वो हमने इस तरीके से चलाया था मेरे ख्याल से समझ गया होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारा एक्सप्लेन किया है आपको ठीक है तो बट लिंक लिस्ट में क्या होगा कि आखिरी में जाकर के डिलीशन हमारे को बड़ी मुश्किल लग रही है वो फिर थीटा टाइम टाइम खर्च करवा देती थी तो इसीलिए आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपने डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से बनाया जैसे ये था ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से ये ज्यादा प्रायोरिटी ये कम ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम एंड ऑन तो उसमें डिलीट मैक्स और सर्च मैक्स बड़ी जल्दी हो रहा था

ठीक है जी तो प्रायोरिटी क्यू जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा ये आपको पढ़ने को कोके ढंग से मिलेगा नहीं है ना ये सब चीजें मैंने मतलब बहुत इधर उधर से देख के और उस, मतलब बहुत जगह किताबें पढ़ के और उस उन सब चीजों से मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ठीक है तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को के जनरली मिलती नहीं है जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड जनरली बस टीचर्स बोल के भाग जाते हैं कि ये प्रायोरिटी क्यू होता है ऐसे ऐसे बस खत्म ज्यादा इतना नहीं पढ़ाते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ बातें करेंगे से रिलेटेड मतलब अभी दो वे दिखाए ना एक वे हो पास थर्ड वे वो बहुत अच्छा वे है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ आपको तीसरा वे कैसे होगा मतलब अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं इंसर्शन थीटा वन है तो डिलीशन और सर्चिंग थीटा एन मतलब सर्चिंग इंसर्शन या डिलीशन दोनों में से एक थीटा वन है और एक थीटा एन है दैट इज फॉर श्योर चाहे आप कुछ मर्जी कर लो है ना अगर आप अनऑर्डर्ड एरे या अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरीके से चला रहे हो तो तो इंसर्शन में है लेकिन डिलीशन में टाइम लग हो रही ये हम कर पा रहे हैं तो अब एक नेक्स्ट जो थर्ड वे होगा उसमें और ज्यादा ब्यूटीफुल काम होगा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ ठीक है नाम चलो थोड़ा सा बोलते हीप के थ्रू हम देखेंगे इस चीज को ठीक है तो वो उसमें जल्दी बढ़िया काम होगा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा थोड़ा सा आप सोच के देखना अपने हिसाब से हीप में कैसे काम हो सकता है एंड से यहीं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है बेटा थैंक यू सो मच बाय वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना बाय हेलो एवरीवन अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आप प्लीज वीडियोस को लाइक करते रह करो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए और अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉलर में मिल जाएगा नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को रियल टाइम डाउट्स हम सॉव नहीं कर पाते फटाफट से जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पे आपके जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से डाउट्स अलग अलग हो हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो कंपाइलर का अलग चैनल हो डिजिटल का अलग चैनल हो एंड एंडसॉन तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है है ना एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ फ्री है भैया ना मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम आप दे सकते हो बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया एवरीथिंग विल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे ठीक है आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो ओके थैंक यू सो मच बाय